कोमल, और क्या हुआ आपके साथ? मुझे यह जानकारी मिली कि आपको जान से मारने की भी कोशिश हुई एक बार। हाँ सर, ये ऐसा हुआ, मैं कितनी बुरी तरह तो इसने मुझे मतलब कैद करके रखा हुआ था, जैसे तैसे मैं इससे वहाँ से बच के निकली हूँ। फिर मैं अपने घर पे आके रहने लगी, तो 2-3 साल से मैं अपने घर पे रह रही हूँ, लेकिन फिर भी इसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कभी ये फ़ोन कैसे कैसे करके इसने नंबर मेरा ले लिया, कभी ये घर के पास आके गली में खड़ा होता था, कभी ये गली में कभी मिल जाता था, कहीं भी जाओ रास्ते मिल जाता था। ये हमेशा प्रेशर डालता था कि फिर से वापस रहो चल के मेरे साथ, और जैसे कहोगे वैसे रखेंगे। लेकिन जब भी मैं इसकी बात नहीं सुनती थी, हमेशा धमकी देता था कि तुम्हारे घर पे किसी को मार देंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे, हम सबको बता देंगे कि क्या क्या हुआ और तुम मतलब ऐसी हो। बहुत ज़्यादा इसने मेंटली प्रेशराइज करके रखा हुआ था। फिर लास्ट टाइम इसने बोला कि मुझे फ़ाइनल बात करनी, तुम आके एक बार बात कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो इसने 14 अगस्त को मुझे बुलाया, और 14 अगस्त में बुला कर इसने तब भी मुझसे यही कहा कि तुम मेरे साथ रहो चलकर, और तुम मेरा धर्म अपनाओ और मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। तो हमने कहा नहीं, मतलब अब मैं अपने घर पर रह रही हूँ, मेरे फैमिली ने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया मुझे फैमिली के साथ रहने, तो मतलब मैं ये धर्म नहीं अपनाऊँगी। तो इसने अचानक से चाकू निकाल कर मेरे ऊपर कई सारे वार किए, पूरी तरह मुझे इसने जान से ही मार दिया था। तो कहिए कि मतलब मेरा नसीब अच्छा था कि पुलिस वाले आ गए, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो उन लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना इसने तो पूरी कोशिश करी थी कि ये मुझे पूरी तरह से इसने मार ही दिया था।